हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लब। तो बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा। पिछले हमारा आपने जैसा कि वीडियोस को अगर पहले देखा होगा तो उसके अंदर आपके पास आया था इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, जो कि क्लास सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के लिए थे। और आज हमारा एक सिक्स का टॉपिक आ रहा है अलजेब्रा, और इसी को हम कॉन्टिन्यू रखेंगे फॉर क्लास सेवन्थ एंड फॉर क्लास एट्थ इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक अलजेब्रा फॉर क्लास सिक्स। सो हियर वी आर। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। देखो बेटा, इंट्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट चीज़ जो आती है वो क्या आती है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी नंबर इज नोन एज अर्थमेटिक। देखो बेटा, अभी तक हमारे नंबर्स के ऊपर हमने बहुत बातें की, इंटीजर्स के ऊपर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, वो सभी किस ब्रांच, मैथ की छोटी सी ब्रांच है। आपको पता ही होगा मैथ की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, उसमें से एक ब्रांच जो है वो अरिथमेटिक है। ठीक है, अरिथमेटिक एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑपरेशंस, उनके ऊपर क्या क्या लगा सकते हैं, हम सब उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, बिकॉज ये एनसीईआरटी के अंदर है, इस वजह से मैं ये फैक्ट लेके आ रहा हूँ बेटा। सेकंड थिंग इसके अंदर जो आती है वो क्या आती है, और अगर मैथ जो है उसके अंदर शेप्स के बारे में डिस्कशन की जाए, शेप्स चाहे वो टू डायमेंशनल हो या वो आपकी थ्री डायमेंशनल हो, टू डी शेप्स हो, 3D शेप्स हो, किसी भी टाइप की शेप हो, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो उस ब्रांच का नाम ज्योमेट्री है। जियोमेट्री भी आप कुछ लोग बोलते जियो, ठीक है, तो वो उसका नेम है। तो अभी आपको सिंपल बेटा ये याद रखना है कि अरिथमेटिक जो है वो हमारा काम अभी चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मैस्टिक्स पैटर्न। देखो जैसा कि आप बेटा, आपको पता होगा क्लास सिक्स के अंदर सिर्फ वन एक्सरसाइज है इस बार आपका, जब से सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है, रैशनलाइज्ड हुआ है, न्यू आया है, बुक्स आई हैं अभी आपके पास, तो क्लास सिक्स के अंदर जो अलजेब्रा है उसका सिर्फ एक एक्सरसाइज बची है, और उसके अंदर मेनली आपके टू टॉपिक्स हैं, मेनली टू टॉपिक्स हैं। एक तो आपका मैस्टिक्स पैटर्न है जो यहाँ पे लिख रखा है, और सेकेंड है आपको इक्वेशंस बनानी, इक्वेशंस लेके आनी। आपके पास इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे और अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन को लिखना, ये दो सिर्फ आपके मेन टॉपिक हैं अलजेब्रा के अंदर क्लास सिक्स के अंदर। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक मैस्टिक्स पैटर्न्स। तो इसको सीखने के लिए बेटा एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के ऊपर आते हैं, जो कि मैंने अपने स्कूल के किसी दो तीन बच्चों के ऊपर लिया था, आगे भी दो तीन बच्चे और आएंगे। प्लीज़ आप बाकी के बच्चे जो हैं नाराज़ मत होना, आपका नाम नहीं लिया। तो लेट अस लर्न दिस स्टोरी बाय अ स्टोरी ऑफ थ्री फ्रेंड्स, आर्या, निहाल और वेदान। आर्या, निहाल और वेदान तीन यार थे, दोस्त हैं, उनके ऊपर हमने की है स्टोरी तैयार, और उसी से आपको आइडिया होगा कि मैस्टिक पैटर्न किस बिहाफ पे हम लेके अपने आप भी आ सकते हैं। उसमें से पहले दो फ्रेंड्स आर्या और निहाल आर मेकिंग पैटर्न्स विद द मैस्टिक्स, वो मैस्टिक लगा रहे हैं, ऐसे लगाएं, वो अभी आपको शो होगा। दे डिसाइड टू मेक सिंपल पैटर्न्स ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मैंने अभी बताया वो ए लिखें, बी लिखें, ऐसे लिखें, सी ऐसे लिखें, डी ऐसे लिखें, वो अभी आपको शो हो जाएगा कि वो क्या लिखना चाहते हैं। आर्या टेक टू मैस्टिक, आर्या ने दो मैस्टिक ली और उसने एल लेटर की फॉर्मेशन की, जो आपको अभी ए फिगर में शो हो जाएगा नीचे। उसके बाद फिर निहाल कहता मैं पीछे नहीं रहूँगा, उसने दो और ली मैस्टिक, उसने भी ऐसे एल लगा दिया। ठीक है, पुट्स इट इन नेक्स्ट टू द वन मेड बाय द आर्या, ये आपको फिगर में शो हो रहा है, ये आर्या ने काम किया, ये निहाल ने किया। फिर आर्या को गुस्सा आया, कहता ये तो मेरे से आगे निकल गया, उसने उसके आगे एक और मैस्टिक पैटर्न बना दिया। आर्या एड्स वन मोर एल एंड दिस गोज ऑन एज शोन बाय द डॉट्स। आर्या ने ये किया, फिर निहाल को गुस्सा आया, निहाल कहता तू आगे निकल गया, उसने एक और लगा दी। फिर आर्या ने, फिर निहाल ने, फिर आर्या ने, फिर निहाल ने, तो ये काम होता गया।
लेकिन उसके बाद अब इनका जो एक दोस्त बचा था वेदान, वो बहुत ही रीजनेबल है। वो क्या बताता है, देयर फ्रेंड वेदान कम्स इन। वो आता ही लुक्स एट द पैटर्न, उसने पैटर्न को देखा, अरे ये क्या है। वेदान ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, उसकी आदत है, वो क्वेश्चन लॉजिक निकालता रहता है। ही आस्क द बॉयज, उसने अपने दोस्तों से पूछा, मेरे को ये बताओ हाउ मैनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 6 एल्स। अगर ऐसी मेरे को 6 एल लगाने हैं, 6 अल्फाबेट्स एल के लगाने हैं लगातार, तो कितनी मैस्टिक्स रिक्वायर्ड होगी ये तो बताओ। अब इन्होंने क्या किया, जैसा कि मैंने बोला, पहला आर्य ने किया, फिर निहाल ने, फिर आर्य ने, फिर निहाल ने, तो उन्होंने क्या किया, हर एक ने तीन तीन बार रिपीट किया। आर्य एंड निहाल आर सिस्टमेटिक, दे गो ऑन फॉर्मिंग द पैटर्न्स। पहले एक लगाया, फिर दो लगाए, फिर तीन, चार, पाँच, एंड प्रिपेयर अ टेबल। उन्होंने ये एक ऐसा क्या प्रिपेयर कर दिया, टेबल प्रिपेयर, कि अगर एक एल की फॉर्मेशन तो कितनी यूज करी आर्य ने, पहले दो, फिर निहाल ने उससे एक एक्स्ट्रा लेके आनी थी तो फोर, फिर आर्य ने, फिर निहाल ने, फिर आर्य ने, फिर निहाल ने, फिर आर्य ने, फिर निहाल ने, कहते ऐसे होता रहेगा, बस थक गए हम, ये तो हम लगा ही रहेंगे। तो वेदान ने यहाँ से आंसर निकाल लिया, कहता मैंने पूछा था 6 के लिए, तो निहाल ने उस टाइम जो लगाई होंगी वो कितनी लगाई, 1-2 मैस्टिक, दैट इज 12 मैस्टिक्स लगा दी फॉर मेकिंग 6 एल्स। उसको अपना आंसर तो मिल गया वेदान को, लेकिन फिर उन्होंने जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने इसको एनालाइज किया। वाइल राइटिंग द टेबल आर्य एंड निहाल रियलाइजेस दैट द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज ऑलवेज 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एल फॉर्म। अगर एल की वैल्यू 1 है, कितनी मैस्टिक रिक्वायर्ड है, 2 है तो 4 हमेशा क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, डबल हो रहा है। तो उन्होंने फिर एक रूल बना दिया, कहते यार आज के बाद मान लो, अभी तो वेदान ने 6 पूछा तो हमने अपनी इज्जत बचा ली, हमने फटाफट लगा दी और लगे। मान लो निहाल पूछता कि 100 एल लगाने के लिए कितना, तो हम तो हिल जाते लिखते 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 लिखते, तो कहता हम रूल ही निकाल देते हैं। तो उन्होंने क्या रूल बना दिया, कितनी मैस्टिक रिक्वायर्ड है इसका रूल बना दिया कि कितने एल लेके आने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज हर बार क्या हो रहा है, ये 2 टाइम्स में बन रहे थे। समझ लगी, हर बार मैस्टिक पैटर्न के लिए एल के लिए 2 टाइम्स मैस्टिक लग रही थी। अगर 1 एल बनाना है तो उसके लिए 2 मैस्टिक लगी, 2 एल बनाने हैं उसके लिए 4 लगी, तो ऐसे ही 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। तो ऐसे लग रही थी, तो उन्होंने क्या, हम बनाते हैं फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या बनाया, रूल क्या बना दिया, कितने एल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहाँ पे आपको मैस्टिक्स का नंबर पता चल जाएगा। तो बेटा ये उसने किया एल की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आप ऐसे ही कुछ अपनी ओर से सोच सकते हो, वीडियो को रोक करके आप सोचो, आप किसी अल्फाबेट को लो, उसके अंदर कितने लगते हैं, तो उसका भी आप रूल निकाल सकते हो। आई होप आपको कंसेप्ट पता लगेगा, मैस्टिक पैटर्न का क्या कंसेप्ट था। नेक्स्ट वन इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी बुक के से ही लिए गए हैं, आपका रिवीजन साथ के साथ हो जाएगा। रूल बताना है, विच गिव द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैस्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल टू राइट द रूल। किसी ना किसी वेरिएबल, देखो एक चीज पीछे जब अगर हम आए तो यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ एल लिख दिया, आप 2 इंटू एल भी लिख सकते हो ना, यहाँ एल का मतलब क्या होगा, कितने एल फॉर्म हुए हैं। 2 इंटू एन लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ भी, वहाँ पे उसका मतलब क्या होगा, कितना नंबर है उसका, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ये लिखा गया है। अब पैटर्न ऑफ लेटर टी, अब देखो टी में यूज कितनी हुई मैस्टिक, एक ऊपर वाली और एक नीचे, तो आंसर क्या आएगा, 2 इंटू जो मर्जी लिखो, मोस्टली बुक वाला एन लेगा आपका, तो मैं भी एन से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप 2T भी लिख सकते, 2T टैप वाली जो 2T होती है वही है ना। सेकंड में कौन सा है, लेटर है आपका जेड, कैपिटल जेड, तो 1, 2, 3 तीन हुई। अगले में यू, तीन हुई, दो हुई, ना 1, 2, 3, 4, 5 पांच हुई, मैं हर बार एन ले रहा हूँ। एस लगाने के लिए 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 5 इंटू एस लगाना है, एन लगाना है, एन लगा लो।
ए लेटर लेना है, एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स है। तो बेटा ये देखो आपके स्क्रीन पे आंसर्स भी इसके आ गए हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था कि अल्फ़ाबेट्स के लिए कितने कितने आपको नंबर ऑफ मैस्टिस रिक्वायर्ड है। अब कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि ये एन क्यों लिया सर, ये एन वाला मतलब अल्फ़ाबेट्स मैथ के अंदर तो यूज़ ही नहीं होते हमारे, तो आपने किस भी आप पे लिख दिए। तो बेटा सिर्फ एक मिनट का वेट रख लो, आपको ये एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। उसकी एक्सप्रेशन भी अभी आपको नेक्स्ट एक मिनट में मिल जाएगी। सॉरी, मैस्टिक्स पैटर्न, ये देखो इसमें कितने यूज़ करी, तीन तीन मैस्टिक्स, इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच, फिर टू ऐड हो गई सात, फिर टू ऐड हो गई नाइन। तो आप इसका रूल भी बता सकते हो, अगर किसी बच्चे को आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका रूल भी बता सकते हो। आपकी एनसीईआरटी बुक की जो एक एक्सरसाइज आनी है आपको पेपर में, उसके लास्ट के जो दो तीन सम है वो इसी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसका रूल भी बता सकते हो। तो इसका एक्चुअली में क्या होता है, हर बार टू रिपीट हो रही है तो टू एन, और एक फर्स्ट टाइम यूज़ हो गई है उसके बाद ऐसे और ऐसे लग रही है, दो यूज़ हुई अगली बार ऐसे और ऐसे, फिर दो ऐसे और ऐसे, दो दो यूज़ हो रही तो टू एन, लेकिन एक पीछे एक बार यूज़ होके उसका काम ख़त्म, तो वो एक एम्प्टी या वेकेंट बच गई जो अब यूज़ नहीं हो रही। तो इसका रूल वैसे मैंने लिख दिया टू एन प्लस वन। ओके, नीचे का बेटा जो लिंक है, अगर आप इसके इसको आप इसके ऊपर आते हो तो ये एक एक्टिविटी है जहाँ पे आपको मैस्टिक पैटर्न पैटर्न्स के ऊपर काफ़ी अच्छा सारा मटेरियल मिल जाएगा। और ये एक्टिविटी है तो ऑनलाइन है, आप इसी वेबसाइट पे जाओ और आपको वहाँ पे सब मिल जाएगा। और ये मैं आपके लिए ये वेबसाइट जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी भेज देता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज़ आइडिया ऑफ वेरिएबल। अब मैं उसी मुद्दे पर आ गया कि मैंने एन क्यों माना, टी वगैरह ले सकते हैं, तो उसको भी हम एक सिंपल से वे से सीखते हैं। जो अभी ऊपर आर्या निहाल और वेदान की एग्जांपल दी जिसमें उन्होंने मैस्टिक पैटर्न बनाए थे एल के लिए, उन्होंने रूल दे दिया टू इंटू नंबर ऑफ एल्स, उसको मैंने एन मान लिया। अब यहाँ पे एन क्या हो सकता है, एन इज़ द नंबर ऑफ एल्स इन द पैटर्न, एल कितने आएंगे वो एन उसको एक अल्फ़ाबेट से रिप्रजेंट कर रहा है, और n टेक्स n वैल्यूज 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। l की वैल्यू के मतलब l 1 लिया है तो n की वैल्यू 1 लेंगे, l का नंबर 2 है तो n की वैल्यू 2 लेंगे एंड सो ऑन। तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट्स का यूज। इन द टेबल द वैल्यू ऑफ n गोज ऑन चेंजिंग मतलब इंक्रीजिंग, एज अ रिजल्ट मैस्टिक्स भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। एक के लिए दो हुई, फिर चार, फिर छः, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है मैस्टिक्स भी बढ़ रही हैं। सो एन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैंने टॉपिक लिया वेरिएबल क्या होता है, इसका मैं आइडिया कहाँ से मिला, इसी एक्टिविटी से मिला जो हमने पीछे एक तीन दोस्तों की स्टोरी सुनी। वहाँ पे एन मान लो ले लिया तो एन एक क्या बन गया, वेरिएबल। अल्फ़ाबेट है ये, एक अल्फ़ाबेट्स मैथ के अंदर यूज़ होते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो उसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एक ऐसा अल्फ़ाबेट बताओ जिसका यूज़ नहीं होता, आप थोड़ा सा लगाना माइंड, ऐसा अल्फ़ाबेट बताओ जिसका यूज़ नहीं हो सकता, हम अलजेब्रा के अंदर उसका यूज़ ही नहीं करते। ऐसा क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा अगर आप इसको आंसर में बताते हो। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। वेरी देखो इंग्लिश में वर्ड आता है वेरी, और एबल, एबल मतलब एबिलिटी योग्यता, इसका मतलब अलग अलग भिन्न विभिन्न आप बोल सकते हो, डिफरेंट है ना। तो ऐसा एक अल्फ़ाबेट जो अलग अलग वैल्यू ले सकता है, कभी वन भी हो सकता है, टू थ्री फोर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ऐसी चीज़ को हम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं और उसका नाम पड़ गया वेरिएबल। इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट कैन टेक एनी वैल्यू जो कि यहाँ पे लिख रखा है। आई गेस आपको समझ लगा होगा कि आइडिया वेरिएबल का किस से आया है, ठीक है। तो मैस्टिक पैटर्न के अंदर से आपको इस चीज़ का आइडिया आ चुका था। बेटा अगर आपको और इंटरेस्टिंगली सीखना है वेरिएबल के बारे में
कांस्टेंट के बारे में, अलजेब्रा क्या होता है। तो बेटा जो नेक्स्ट ईयर की आपकी वीडियो आपको मिलेगी फोर क्लास सेवन्थ एंड एट्थ, आप ज़रूर उस पर एक बार आना, आपको और अच्छे से पता लग जाएगा कि वेरिएबल होता क्या है एक्चुअली में। बिकॉज आपके जो सिलेबस में इतना डीप डिस्कशन नहीं है तो हम उतना सा लेके आएंगे। वैसे मैंने आपके लिए यहाँ रख भी दिया कि वेरिएबल क्या होता है ऊपर ऊपर से। अ वेरिएबल इज अ लेटर और सिंबल दैट रिप्रेजेंट अ नंबर, जैसे x प्लस एट। x प्लस एट एक एग्जांपल मैंने यहाँ रख दी। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है आपका, सॉरी ये क्या हो गया, x क्या है आपका, वेरिएबल है, अननोन क्वांटिटी, मतलब जिसके बारे में पता नहीं, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। सेकेंड है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। अ वेरिएबल कैन यूज एनी लेटर ऑफ द अल्फाबेट एक्सेप्ट ओ। अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा लेटर बताओ जिसका यूज नहीं हो सकता, तो वो है ओ। बिकॉज ओ और जीरो सेम सेम दिखते हैं, हमें नहीं पता, एग्जामिनर जो है उसको नहीं पता कि ये इसमें डिफरेंस क्या। आपने लिख दिया एट प्लस जीरो, आपने तो बताओ सर मैंने तो ओ लिखा था, हमको तो लगेगा ये जीरो है। इस वजह से ओनली ओ अल्फाबेट का यूज नहीं करते हम अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो x प्लस फाइव, एक्स माइनस सेवन, वाई माइनस 25, तो ये हम अल्फाबेट से लिखते हैं एक्सेप्ट ओ। तो ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स की एग्जांपल्स। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट, क्या होते हैं कांस्टेंट। सो इट इज़ अ नंबर दैट डज नॉट चेंज, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 6x प्लस 5, तो इसमें जो 5 है वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन क्या होता है, सिंपल नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स, उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। इनकी फिक्स वैल्यू है कॉन्स्टेंट्स की, और इसकी नो फिक्स वैल्यू, इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती, किसकी, वेरिएबल्स की। इन द अबव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 इज द कांस्टेंट। आई होप आपको पता लग गया होगा, हल्का सा हिंट मिल गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स, इसको भी हम एक तीन दोस्तों की एक स्टोरी के से सीखते हैं। तीन दोस्त हैं यहाँ पे, नव्य, दृष्टि एंड सो। स्टूडेंट्स वेंट टू बाय नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल बुक स्टोर। ये जो दोस्त थे ये सभी कहाँ गए, बुक स्टोर पे गए नोटबुक्स लेने के लिए। प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज रुपीज 5, एक नोटबुक का 5 रुपये, बहुत चीप है ये तो, आजकल तो बहुत महंगे एक्सपेंसिव मिलती है भाई। नव्या वॉन्ट्स टू बाय 5 नोटबुक्स, नव्या जो है वो कहती मेरे को 5 नोटबुक लेनी है। जो सेकंड फ्रेंड है सोहा, सोहा बोल रही है मेरे को 7 नोटबुक्स खरीदनी है। और लास्ट पे है डी, डी फॉर दृष्टि, और ये बोल रही है मेरे को 4 नोटबुक्स खरीदनी है। और ऐसी वो उनकी बढ़ती जाती है डिमांड्स। हाउ मच मनी शुड अ स्टूडेंट मस्ट हैव व्हेन शी और ही गोज टू द बुक स्टोर टू बाय द नोटबुक्स। अब देखो आप सभी लोग दुकान पे होके आते हो तो आप अपना हिसाब लगा के आते हो, अपना अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट या अपना हिसाब लगाते हो कि मेरे को 2 लेज के पैकेट लेने हैं, मुझे पता है 1 लेज का पैकेट 10 रुपीस का है तो मेरे कितने रुपीस लगेंगे, 20 रुपए लेके निकलोगे। तो ऐसे ही अब जब तक आपको पता ही नहीं, अगर आपने 1-2 अमाउंट लेना है तब तो आपको पता लग गया 20 लेने हैं, है ना। अगर आपको कुछ सामान अलग अलग लेना है, 1 किलो दूध लेना है, फिर 1 किलो शुगर लेनी है या कुछ और लेना है, तब आप उलझ जाओगे कितना रुपया लेके निकले, है ना। तो उसके लिए आपको अलजेब्रा का यूज़ होता है, हम अभी आगे देखेंगे। दिस विल डिपेंड ऑन हाउ मैनी नोटबुक्स द स्टूडेंट वॉन्ट्स टू बे, कितनी नोटबुक किसी को खरीदनी है। अब आपको ये पता था एक नोटबुक 5 रुपए की है, अगर किसी बच्चे ने M नोटबुक्स लेनी है, वो M कुछ भी नंबर हो सकता है ना, 1, 2, 3, 4, तो उसको उसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। मान लो सोहा जो थी उसको 7 नोटबुक्स लेनी थी, तो 5 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, 35।
तो ये एक इक्वेशन बन गई आपके लिए, एक रूल बन गया नोटबुक्स लेने का। वहाँ पे एम क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर ऑफ नोटबुक्स, है ना। तो ऐसे ही हमने उसमें करा था एल वाले में, टू इंटू नंबर ऑफ एल या फिर एन लिख दिया। एन क्या रिप्रेजेंट करता था, कितने एल हैं। यहाँ एम एम जो अल्फ़ाबेट है वो क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, कितनी नोटबुक्स लेनी है। तो इसको यहाँ देखो, हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या लिखा। द लेटर एम स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ नोटबुक अ स्टूडेंट वॉन्ट टू बे, एम इज अ वेरिएबल। तो यहाँ पे एम क्या हो गया, वेरिएबल। अल्फ़ाबेट मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। द टोटल कॉस्ट ऑफ एम नोटबुक्स, अगर एम नोटबुक्स लेनी है तो उसकी क्या बन जाएगी रूल, 5m, इतने रुपए आपके लगेंगे। अगर एक नोटबुक लेनी है तो m की वैल्यू 1 पुट होगी, तो 5 रुपीज हो गया, है ना। तो अब बताओ जो नव्या थी उसको 5 लेनी थी, जो आपकी फर्स्ट फ्रेंड थी नव्या उसको 5 नोटबुक्स लेनी थी, तो 5 को क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 25 रुपीज। उसके पास कितने रुपए होने कंपलसरी हैं, 25। सोहा के लिए अभी निकाला, 5 × 7 कितना, 35 रुपीज। एंड लास्ट इज डी फॉर दृष्टि, तो 5 × 4 नोटबुक्स लेनी है, तो 20 रुपीज। आप आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हो किसको कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है। ये देखो यहाँ पे निकाल के रखा होगा, ठीक है, मैंने आपको सिंपली बता दिया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल, आपको भी पता है 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है स्कूल में बहुत धूमधाम से। हमारे भी बच्चे हैं स्काउट्स के, गाइड्स के, वो बहुत अच्छा नाचते हैं उस दिन, और बाकी बच्चे भी एनसीसी वगैरह के भी बहुत नाचते हैं। चिल्ड्रन आर गोइंग टू परफॉर्म मास ड्रिल, आपकी होती होगी इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ गेस्ट, कोई ना कोई आता है, एमपी आए, एमएलए आए, स्कूल प्रिंसिपल हो, कोई भी हो। दे स्टैंड 10 इन अ रो, एक रो में कितने, ये एक रो होती ना बेटा, एक रो में कितने खड़े हैं, 10। अब सिंपल सा लॉजिक है, आपको 15 रोज लगानी है तो कितने रिक्वायर्ड होंगे बंदे। आप ऐसे तो ना सोचोगे कि एक में लगाओ 10, फिर 10, 10+10+10, तो काम खराब हो गया। आप क्या करोगे, 15 × 10, मतलब अगर आप सिंपल रूल में लिख दो अलजेब्रा के अंदर, तो क्या लिखोगे, 10 × r, मैं r ही मान लेता हूँ, r क्या है, नंबर ऑफ रोज। ये रूल किसको बताएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 10r, वेयर r इज द नंबर ऑफ रोज। एक रो लगाओगे तो कितने होंगे बच्चे, 10 × 1 10, टू रोज होंगे तो 20, तीन होंगे तो 30। तो इसी को यहाँ पे नीचे लिख रखा है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रोज, इफ देर इज 1 रोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विल बी 10, 2 देन इट विल बी 20 एंड सो ऑन। अगर r रोज मान ले, r रोज लगे हैं, पता नहीं कितनी सारे बच्चे लगे हुए हैं, यानी r रोज हैं, हम बता देंगे एक में हैं 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इतने बच्चे हैं r। अब आप काउंट देखो, एक ऑप्शन था हर एक बच्चे की अटेंडेंस लेते 1, 2, 3, 4, और एक क्या आपने क्या की, काउंटिंग किसकी कर दी, रोज़ की, कितनी रोज़ हैं आपके पास। तो इजी काम हो गया ना। तो ये सब काम को इजी करने के लिए अलजेब्रा का यूज़ होता है, बाय यूजिंग वेरिएबल। आई होप आपको समझ लग गई होगी। चलो अब हम लास्ट पे दो क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखो आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था इस चैप्टर के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो मैस्टिक वाले, जो कि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और सेकंड आपके पास आता है दैट इज इक्वेशन बेस्ड, आपको इक्वेशंस बनानी है। तो ये जो अभी लास्ट की जो दो मैं लेके आया हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये इक्वेशंस के ऊपर है। मदर हैज़ मेड लड्डू, वाह मुँह में पानी आया, मोती चूर के मम्मी ने क्या बना दिए, लड्डू बना दिए। शी गिव्स सम लड्डूज टू द गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स, कुछ इतने सारे थे बीच में लड्डूज, कुछ लड्डूज उन्होंने किसको दे दिए कि मतलब बांट दिए, हम आपको पता है कोई आ जाए हमारे मेहमान तो हम उसको खाली हाथ उनको बांट दिए। ये कौन है, सभी फैमिली मेम्बर्स एंड गेस्ट हैं ये हमारे, ठीक है, उनको हमने बांट दिए। एंड स्टिल 5, और पीछे 5 बच गए, अब बाकी तो सब निकाल दिए, 5 अभी बच गए यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब निकाल दिया।
इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर ने कितने लड्डू बांटे, वो एल बांटे, मतलब एल इनको मिल गए, तो ओवरऑल एक्चुअली में कितने लड्डू मम्मी ने बनाए। देखो इतने सारे थे, पांच बच गए, बाकी के जितने वो एल थे, वो सारे एल के एल जितने थे वो किसी को हमने बांट दिए। हम तो ओवरऑल हमारे पास हुए कितने, एल तो बांटे, अभी पीछे कितने बच गए, पांच, तो एल प्लस फाइव, ये आपका आंसर। कितना इजी है, ठीक है। तो इसको लिखने का वे आपको अभी स्क्रीन पे दिख गया, कितने लड्डू बांटे एल, रिमेनिंग कितने बच गए, पांच। तो जो टोटल लड्डू होंगे बेटा वो क्या होंगे, जो आपने बांट दिए प्लस जो आपके पास बाकी बचे हैं अभी, इनको ऐड होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कितने लड्डू बनाए थे, तो कितने एक्चुअली में थे, एल प्लस फाइव लड्डूस। आई गेस आपको समझ लग गया होगा। सो लेट्स मूव टू द सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन। लीला इज राधा यंगर सिस्टर, लीला राधा की छोटी बहन है, तो ये इसकी राधा की एज हायर होगी किससे, लीला से। यंगर का मतलब होता है छोटा। लीला इज फोर ईयर यंगर देन राधा, लीला की जो एज है वो राधा से कितनी छोटी है, फोर ईयर्स, तो उसमें से फोर ईयर माइनस हो जाएंगे। कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधा एज, अभी ये पूछ रहे हैं, हमने तो लिख भी दिया, तो आंसर यस। कितना ईजी है ना, लिख दिया लीला की एज राधा से कितनी कम है, फोर ईयर्स, तो हमने वो तो लिख दिया। कहता आप लिख सकते हो, ए बुद्धू हमने तो लिख भी दिया, आगे क्या पूछ रहा है, टेक राधा एज टू बी एक्स, ओहो कहता राधा की एज को एक्स मानो, तो एक्स ईयर्स मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, लीला की जो एज आएगी वो क्या आएगी, एक्स किसकी एज है, राधा की। अब जहां एक आर लिखा था राधा मानो उसको एक्स माइनस कर, तो इसकी एज क्या आ गई, एक्स माइनस फोर ईयर्स। कितना आसान है, ये देखो आपके सॉल्यूशन, लीला राधा से चार साल छोटी, राधा की एज को एक्स मान लिया, तो लीला की एज क्या होगी, एक्स माइनस फोर, काम खत्म, इजी। तो बेटा इसी के साथ आपका अलजेब्रा फिनिश, खत्म। थैंक यू सो मच, तो आप सभी का थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे मैथ्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बिकॉज ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सो ठीक है बेटा, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, जिनको और अच्छे से सीखना है कि ये अलजेब्रा होता क्या है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और जितना कुछ भी इसमें आता है, वो आप नेक्स्ट की जो दो वीडियोज़ आएंगी सेवन्थ और एट्थ क्लास के लिए अलजेब्रा की ही आएंगी, वो आप प्लीज़ उस पर देख सकते हो जाके, और वो आपको उस टाइम पे इंफॉर्मेशन मिलेगी जब आप क्या करोगे, सब्सक्राइब चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन पता चल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, सी यू, बाय बाय।